स्टूडेंट्स uh, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं किस तरीके से तुम लोग इंडेक्स बना सकते हो कौन से टाइप्स अवेलेबल हैं फर्स्ट वन है लूज लीफ बुक इंडेक्स जब बुक इंडेक्स की बात करी है तो नाम से समझ में आता है कि कुछ ना कुछ विजिबल विजिबिलिटी उसकी वो तो देखने में बुक की तरह हो सकता है नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट लूज लीफ तो अगर आप फोटो देखो तो आप लोगों को पिक्चर से इतनी बात समझ में आ जाएगी कि ये उस फाइल की बात कर रहे हैं जो फाइल आप जर्नल यूज करते हो आप असाइनमेंट बनाते हुए यूज करते हो तो, तो वहां पे क्या है कि आप लोगों ने एक प्रॉपरली बुक इंडेक्स बनाया है आप प्रॉपरली उसके बीच में पेज प्लेस करते हो एक मेटल हिंग होती है ठीक है जिसको आप स्क्रू बोल देते हो उसके थ्रू आप लोग करते क्या हो अपने पेज जो भी है इंसर्ट कर लेते हो बीच में डाल लेते हो बाद में आपको लगता है कि आप चेंज करना चाहते हो आपने गलत पेज कर दिया है या पहले पेज को एंड में डाल दिया है किसी भी तरीके से कोई भी आप चेंजेस करना चाहो एडिशन करना चाहो या डिलीट करना चाहो एडिशन इन द सेंस ऐड करना चाहो पेज को या कोई पेज ऐसा है जो अभी आपको नहीं चाहिए ड्यू टू एनी रीजन आपको वो पर्सन की फाइल नहीं चाहिए उस पर्सन का रिज्यूमे नहीं चाहिए क्योंकि वो अब काम नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन में आप इजिली उसका जो रिज्यूमे है वो निकाल सकते हो उसी निकाल सकते हो बीच में से ठीक है so, सो अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये बहुत फ्लेक्सीबल मेथड है आप कुछ भी करना चाहो डिलीट या एड करना चाहो आप कर सकते हो ठीक है थोड़ा बहुत आप लोगों को पिक्चर्स देख के पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ वर्जन so, है बुक इंडेक्स का बुक इंडेक्स मैंने आपको बताई थी कौन सी होती है जो टेलीफोन डायरी की मैंने बात करी थी जिसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते वो बुक फॉर्म में होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोगों को वहां पे अपनी डिटेल्स लिखनी पड़ती है अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है इन दिस मेथड एवरी सिंगल शीट इज फिटेड इन टू मेटल हिंग्स ठीक है कि जो एक एक शीट करके तुम लोगों को वो मेटल हिंग में इंसर्ट करनी पड़ती है डालनी पड़ती है दीज शीट्स आर यूज टू प्रिपेयर इंडेक्स अब जो ये शीट्स वो हम डालते हैं बीच में स्क्रू में डालते हैं उसको इंडेक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है उसके ऊपर इंडेक्स बना सकते हैं ठीक है अब मान लो कि मैंने इस बुक को ये जो आपके सामने फाइल पड़ी है इसको इसमें सारे मैंने इंडेक्स बनाए हैं इसमें सारी डिटेल्स लिखी है अगर कहीं पे इन फ्यूचर मुझे लगता है कि भाई अब इस पर्सन या इस इंडेक्स को मुझे चेंज करना, इसके चेंज करना करना है है इसके पेज कुछ भी चेंज करना है मैं चेंज कर सकती क्योंकि मैंने अभी क्या बोला ये फ्लेक्सिबल है आप कुछ भी एड एड़ या डिलीट कर सकते हो सो so, आगे लिख ही दिया है उन्होंने अंडरलाइन कर लीजिए कि न्यू शीट्स जो है आप लोग इजिली एड कर सकते हो अनस्क्रू करके सो so, ये फ्लेक्सिबल मेथड है आप लोगों का द नंबर ऑफ शीट्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स अगर आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो ये नंबर ऑफ शीट्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के केस में आप लोगों को इतनी ज्यादा शीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती सो इंडेक्स शीट्स कैन ऑल्सो बी अटैच इन बिगिनिंग ऑफ वेरियस लेजर बुक्स कि जो भी आप लोगों के जैसे आप लेजर बनाते हो

जो आप लोगों का रामायण कंपनी का लेजर अकाउंट है वो इस पेज के ऊपर है मशीनरी अकाउंट इस पेज के ऊपर है तो मतलब आप लोगों को इस पेज से इस बुक जो हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं बुक इंडेक्स की यहाँ पे हम लोग इंडेक्स बनाएंगे हमें इजिली पता चल जाएगा सिर्फ उन्होंने ये एग्जाम्पल दी है कि बिगिनिंग ऑफ वेरियस लेजर बुक्स आप ही बना सकते हो आप इस लूज लिव बुक इंडेक्स को किसी भी और तरीके से कहीं पे भी यूज कर सकते हो ठीक है, है so, सो क्योंकि ये तो रिक्वायरमेंट ना, आपने इसमें दो शीट्स डालनी है, है, तो मैं, है मैंने असाइनमेंट्स रखी है अब किसी बच्चे की ऊपर होगी किसी की नीचे होएगी अब किस बच्चे की कहाँ पे पड़ी है मैं क्या, क्या करूंगी मैं ये लूज लिफ बुक इंडेक्स यूज करूंगी इसमें दो पेज इंसर्ट करूंगी और वहां पे लिखूंगी कि अकॉर्डिंग टू डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस बच्चे ने सबसे पहले दी है तो इस पर, की इस नंबर पे फाइल पड़ी है इसकी इस नंबर पे पड़ी है तो मुझे मेरे मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है मेरे दो पेजेस यूज होंगे तो ये किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो ठीक है सो लूज लिफ बुक इंडेक्स ये पूरी बुक या जो पूरा आप फाइल यूज करोगे ये इंडेक्स बनाने के लिए यूज करोगे ठीक है जी सो so, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि जो भी यहाँ पे स्क्रू होंगे वो प्रॉपरली वहां से आप क्या कर सकते हो शीट्स को टाइटली वो बाउंड करेंगे उसको पता है आप जब बंद करोगे तो वो प्रॉपरली बंद हो जाएगा शीट्स आप लोगों की मिसप्लेस नहीं हो सकेंगी एडिशनल शीट्स आप लोग जो है ऐड कर सकते हो करेक्ट पोजीशन के ऊपर एट एनी टाइम कहीं पे भी आप ऐड करना चाहो अगर नेक्स्ट लिखा है कि अगर आपको किसी शीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है दे कैन आउट। आप उनको निकाल भी सकते हो सो ये हमारे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट

एडिशनल शीट्स हो सकती हैं ठीक है जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था सिमिलरली जो आप लोगों की आ, हम कहें कि जिनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है ऐसी शीट्स को आप इजिली निकाल भी सकते हो टेकन आउट लास्ट में लिखा है मेटल हेंग में आप लोग इजिली बाउंड कर सकते हो वो आप लोगों की जो है मिसप्लेस नहीं होंगे पेज और फोर्थ पॉइंट आप खुद से ऐड करो दैट दिस इज फ्लेक्सिबल मेथड इवन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों के लिए ये आप लोगों का मैथड यूज हो सकता है सो so, ये पॉइंट खुद से लिखोगे लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन इसकी सिर्फ एक लिमिटेशन है थोड़ी सी कि हमने कहा है कि पेजेस को ऐड कर दो या इजीली रिमूव कर दो पर इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू फॉर इच वी हैव टू ट ये काम आपका है फॉर एग्जाम्पल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सौ पेपर पड़े हैं ठीक है सौ शीट मैंने ऑलरेडी डाली है जो नाइनटी फाइव पेज नंबर के ऊपर ना अब करेक्शन करनी है तो पहले मुझे 95 पेजेस निकालने पड़ेंगे देन वो 96 पेज इंसर्ट करना पड़ेगा तो कहते ये सिर्फ आपको दिक्कत आएगी पेज निकालते टाइम या ऐड करते टाइम क्योंकि आपको बाकी पेजेस को भी निकालना पड़ेगा इससे ज्यादा इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है ठीक है जी क्योंकि ये इजी मेथड ओवरव्यू दिया था तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कार्ड इंडेक्स बेसिकली अगर तुमने लाइब्रेरी देखी है तो ये लाइब्रेरी में यूज होता है ये चेक कीजिए होता क्या है पहले इसकी जो अभी दिख रहा है इसके अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें समझा देती हूँ इन्होंने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मतलब सीधे सीधे कार्ड रख सकते हो या साइड को जिस तरीके से भी आप रखना चाहो दोनों तरीके से आप कार्ड्स को प्लेस कर सकते हो पर कितने कार्ड्स को इस तरीके से रखना है कि इसका देखो जो नाम है ना दैट शुड बी विजिबल आप लोगों को ये नाम जरूर दिखना चाहिए इस तरीके से तुम लोगों ने इसको प्लेस करना है उसके बाद कार्ड ये तो मैंने बताया दिया कि आप किसी भी तरीके से रख सकते हो इट इज टोटली अप टू यू इसके बाद वो कौन सी बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो कार्ड है मान लो किसी को आपने एग्जिट करना है कोई कार्ड निकालना है आप इजिली निकाल दो कोई आपने बीच में इंसर्ट करना है कार्ड अगेन दिस वन इज फ्लेक्सीबल मैथड ये आपका फ्लेक्सिबल मेथड है आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो इसके लिए आपको किसी स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं हो सकती बस एक ड्रॉर चाहिए या आप लोगों को एक होल्ड करने के लिए कैसी मशीनरी कोई भी इक्विपमेंट कह सकती हूँ जिसके बीच में आपने ये कार्ड रखने हैं और आप लोग अपनी पर दी इनको रख सकते हो ठीक है सिर्फ एक चीज मैंने आप लोगों को और बतानी है ध्यान से सुनिएगा अब जो ये कार्ड रखे हैं ये जो आप कार्ड देख रहे हो अब कार्ड्स रखेंगे कैसे इट इज टोटली अप टू यू आपकी बुक में ये लिखा है मैं अभी अंडरलाइन कराऊंगी सब कुछ आप लोगों को अब कहते हैं ये जो कार्ड रखने हैं आप लोगों ने ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी रख सकते हो बी सी इनको रख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी रख सकते हो आप लोकेशन वाइज भी रख सकते हो फॉर एग्जाम्पल ये जो कार्ड रखे हैं ये सिर्फ जलंधर वाले हैं, अलग से एक आप लोगों ने बॉक्स बनाया उसमें सिर्फ आपने अमृतसर वाले कार्ड रखे तो ये जो आप लोग इंडेक्सिंग यूज करते हो ये इंडेक्सिंग उन्होंने लिखा है कि आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो दोनों तरीके से इन द सेंस यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आप लोग इसको कोई भी मेथड से यूज कर सकते हो चाहे वो आप लोगों का अल्फाबेटिकल uh, ऑर्डर है चाहे वो आप ज्योग्राफिकल मेथड के ऊपर बेस्ड हो ये आप लोग किसी भी तरीके से कार्ड्स को प्लेस कर सकते हो आई होप तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा अब सीधा सीधे सीधे ये पढ़ते हैं अब ये किसने इन्वेंट किया है या नहीं किया है ये चीज इतनी जरूरी नहीं है मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से पढ़ते हैं ये सिस्टम में इन्होंने लिखा है कि कार्ड जो है सेपरेट कार्ड आप हर पर्सन को अलॉट करोगे हर फर्म को अलॉट करोगे हर कंपनी को अलॉट करोगे जैसे फर्स्ट कार्ड पड़ा है ये ए एन बी सी कंपनी का है जब भी ए एन बी कंपनी से मुझे कुछ भी लेना होएगा, देना होएगा, कोई भी डीलिंग करनी होगी मैं उनके लिए एक कार्ड के ऊपर सारा कुछ लिख दूंगी ठीक है मान लो मैंने किसी पर्सन के साथ हिसाब किताब लिखना कितना दिया है कितना पैसा नहीं दिया उसके लिए मैं अलग अलग पेज नहीं यूज करूंगी एक ही कार्ड यूज करूंगी उसके ऊपर लिख दूंगी कि सौ रुपए दिए थे इतने आगे हैं इतने पेंडिंग है या जो भी और इन्फॉर्मेशन लिखनी है सो so, सेपरेट कार्ड आप लोग यूज करोगे हर एक डिफरेंट पर्सन के लिए द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो भी आप लोगों को चाहिए जैसे मैंने पैसे की बात करी है तो वो आप लोग कार्ड के ऊपर लिख सकते हो अब उन्होंने लिखा है आप लोगों को इनको ऑर्डर में अरेंज करना है अब वो ऑर्डर कौन सा होएगा सब्जेक्ट वाइज जियोग्राफिकल ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसी भी और न्यूमेरिकल या क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज जिसको हम बोल देते हैं किसी भी तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हो अब जो कार्ड आपने यूज करने हैं ये सिमिलर इन साइज होने चाहिए ऐसे नहीं कोई बड़ा है कोई छोटा है ऐसे तो जो छोटे कार्ड होंगे वो आप लोगों के बीच में खराब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा किसी को दिखेगा नहीं आप लोकेट ही नहीं कर पाओगे सो so, यहाँ पे इन्होंने देखा है आपने सिमिलर कार्ड यूज करनी है दे आर पुट इन ड्रॉर अब यहाँ पे इन्होंने एसेट की बात करी इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि हमें ये बताना पड़ता है ना कि हम इन रिकॉर्ड्स को या इन फाइलिंग जो इंडेक्सिंग कर रहे हैं उसको किस में बना रहे हैं तो यहाँ पे इनको ड्रॉर के लिए आप लोगों को ड्रॉ यूज करना पड़ेगा रॉड आप लोगों को पुट करनी पड़ेगी सो so देट आप उनको होल्ड कर सको टुगेदर इधर उधर हिले जुले ना ठीक है एक बीच में एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जिसको हम कह देते हैं आगे भी बता दिया है जो मैंने आपको बताया था आप या वर्टिकल में इनको प्लेस कर सकते हो इन सच अस इज विजिबल प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट ये मैंने पहले भी हाईलाइट किया था मीनिंग में समझाते टाइम अब दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें जैसे इंपॉर्टेंट होती है ना वो आपको बतानी जरूरी है तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये कार्ड काम कैसे करेगा इतने कार्ड रख दिए हैं अब आपने हेडिंग नीचे डाल दी है मेन फालतू तो की इन्फॉर्मेशन ऊपर लिख दी है तो कैसे पता चलेगा आप कैसे लोकेट कर पाओगे आपको क्या करना पड़ेगा उनकी हेडिंग जो है वो विजिबल होनी चाहिए इसके बाद उन्होंने लिखा है इट से लेबर ऑफ टर्निंग दी कार्ड टू लोकेट रिक्वायर्ड कार्ड तो इन्होंने लिख दिया कि ये आपका लेबर ऑफ टर्निंग मतलब टाइम नहीं वेस्ट होगा तुम लोगों का इस लाइन का मीनिंग ये है आपका टाइम सेव हो जाएगा इसलिए जो हेडिंग्स है दैट शुड बी विजिबल

कि ये किन के लिए सुटेबल है मेथड और यहाँ पे आप क्या लिखोगे ये मेथड किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल है लाइब्रेरी के लिए ठीक है ऑर्गेनाइजेशन मत बोलना सीधा लाइब्रेरी लिख देना बैंक्स भी इनको कहते यूज कर लेते हैं ठीक है जैसे अकाउंट uh, होल्डर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वो यूज कर सकते हैं बट बेसिकली क्योंकि लाइब्रेरी में ये चीजें देखी होती है हम लोगों ने तो आपको लिए ये समझना ज्यादा इजी सी रहेगा सीधा आते हैं एडवांटेजेस के ऊपर एडवांटेजेस में उन्होंने क्या लिखा है द कार्ड कैन बी अरेन्ज इन एनी ऑर्डर ठीक है एनी ऑर्डर का मतलब क्रोनोलॉजिकल अल्फाबेटिकल जियोग्राफिकल ठीक है और बाद में कहते हैं आप इजिली चेंज भी कर सकते हो आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कार्ड ही दोबारा रखने रख देना नेक्स्ट लिखा है आप लोग जो है कार्ड इजिली बाहर निकाल मतलब उसको यूज कर सकते हो फॉर रेफरेंस पर्पज और दोबारा से उनको ओरिजिनल प्लेस के ऊपर रख सकते हो हमें पता है नेक्स्ट लिखा है कि ये फ्लेक्सिबल मेथड है मतलब इंक्रीज डिक्रीज कार्ड को कर सकते हैं इसकी वजह से मुझे और प्रॉब्लम नहीं आएगी आपने देखा होगा लूज लीफ में हमने एक, एक ही लिमिटेशन पड़ी है कि आपको उस वजह से बाकी के सारे पेजेस निकालने पड़ेंगे तो यहाँ पे तो आपको वो भी काम नहीं करना पड़े, पड़ेगा तो ये ज्यादा फ्लेक्सीबल मेथड है नेक्स्ट <coughs> वन लिखा है सिंस द कार्ड कैन बी अरेज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन लोकेटिंग द कार्ड ठीक है तो कहते हैं यहाँ पे फिर आपने और इजी कर दिया एक तो कार्ड इजीली दिख रहे हैं नाम विजिबल है वहां पे आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया मुझे पता है कि अगर मैं राम एंड श्याम कंपनी की बात करें तो आर से ही वो कार्ड का नाम स्टार्ट होना है आर से ही मैं कार्ड को देखना स्टार्ट करूंगी एबीसी में मैं क्या देखूंगी वहां पे वेन द नंबर ऑफ कस्टमर इज लार्ज सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आपके कस्टमर्स बहुत ज्यादा है तो इस कार्ड सिस्टम को यूज करना मेरे लिए सस्ता पड़ेगा ठीक है फिर आप लोगों को इतनी ज्यादा फाइल्स नहीं बनानी पड़ेंगी या इतनी ज्यादा लूजली बुक इंडेक्स नहीं लेने पड़ेंगे फिर आपका यहीं से काम चल जाएगा दिस सिस्टम इज इंडेक्सिंग एंड कैन बी फॉर एनी सो ये सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए नहीं है अगर आपने कोई और काम भी करना है कुछ सी और तरीके की भी इंफॉर्मेशन रखनी है स्टोर करके तो आप कार्ड्स की फॉर्म में रख सकते हो सो so, ये सिस्टम जो है आप किसी भी और तरीके से यूज कर सकते हो नेक्स्ट बट इस तरीके के कार्ड यूज करने हैं सो दैट कि उसके ऊपर जो लिखा हो दैट शुड बी विजिबल दीज कलिटेट इजी लोकेशन ऑफ कार्ड्स तो कहते हैं लिखा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कार्ड, कार्ड, के, कार्ड so so, different, different के लिए सॉरी डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स या कंपनीज के लिए आप अलग अलग कार्ड यूज कर सकते हो कलर के मतलब कलर डिफरेंट कर दो ताकि पता चल जाए कि ये वाले कार्ड इनके हैं पिंक वाले कार्ड जो है वो डेटर्स के हैं या ग्रीन वाले कार्ड जो है वो क्रेडिटर्स के हैं इस तरीके से भी आप लोग जो है इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मतलब ये ज्यादा फ्लेक्सीबल मैथड आप कुछ भी इसमें चेंजेस करना चाहो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो नेक्स्ट आपके पास आता है लिमिटेशन अब जो इतने फायदे पड़े हैं कुछ तो नुकसान होएगा हमें